बहुत ही बढ़कर आता है। ये हमारा सॉस रेडी हो चुका है, अब इसको हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब हम चाशनी बनाकर रेडी करते हैं। शक्कर लिए हमने 125 ग्राम ली है और उतना ही पानी हम डाल साइड में, और इसके साथ हमने लिया है एक पैन, और एक ये बड़ा पैन लिया है, इसको भी हम बटर लगाएंगे और इसको साइड में रख देंगे क्योंकि बड़ा पैन की हमको ज़रूरत पड़ेगी कुनाफे को पलटने के लिए, दोनों तरफ से सेकना है ना, इसके लिए इसको हम अब साइड में रख देते हैं। और ये छोटे वाले पैन में हम सेव फैला लेते, सेव जो हमने लिए उसके हम दो हिस्से कर लेंगे। ये 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसके ऊपर हम शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप हमारी ठंडी हो चुकी है, उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे, जितनी ज़रूरत हो उतनी डाल सकते हैं, और फिर जब हम सर्व करेंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा शुगर सिरप डालकर खा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्रश किया हुआ पिस्ता डाल देंगे, ये बारीक क्रश किया है हमने थोड़ा सा मिक्सर में, ये डाल देंगे। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी प्लेन भी बना सकते हैं। अब इसको हम कट करके भी बताते हैं, ये देख सकते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो गया है। आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।